और मसूरी में भी हमें एक ऐसा बंदा मिला था जिसने हमें यहाँ की सजेशन दी। वेल हे एवरीवन जी, हम खड़े हैं संत कबीर डेयरी पर। आप देख सकते हो मेरे पीछे, आपको बहुत ही बढ़िया एक सेटअप दिख रहा होगा और यहाँ पे डेयरी की आइटम्स पड़ी हैं। देहरादून के अंदर काफ़ी पॉपुलर डेयरी है, यहाँ पे बेस्ट लस्सी मिलती है जी, इनकी काफ़ी सारे फ्लेवर्स आते हैं। चलिए मिलते हैं अंकल से, जानते हैं इनकी जर्नी के बारे में और टेस्ट करेंगे यहाँ की बेस्ट वन थिंग्स जो कि है। हमें तो सजेशन मिले यहाँ की लस्सी की, बाकी देखते हैं अंकल और क्या हमें सजेस्ट करते हैं और टेस्ट करके आपको बताते हैं। चलिए मिलते हैं इनसे। सबसे पहले नमस्कार अंकल। नमस्कार जी। क्या नाम है अंकल आपका? हरीश खेरा। और कितने टाइम से, आप जरा बताओ इसके बारे में भी, आपने कैसे जर्नी शुरू की और कब से आप ये रन कर रहे हो अपना सेटअप? ये डेयरी 1947 से शुरू हुई थी। साइकिल से काम शुरू हुआ था पहले, सप्लाई घर घर जा करके ना। अच्छा जी। फिर एक किराए की दुकान ली थी। ठीक है। हमारे फादर जी शुरू किया था काम। ठीक है। उसके बाद फिर हमने किया आगे। और शुरू से आप ये डेयरी प्रोडक्ट की चीजें बना रहे हो? डेयरी की बना रहे हैं। जो ये लस्सी वगैरह ये शुरू से स्टार्टिंग से बेचते हो? स्टार्टिंग से नहीं, ये थोड़ा बाद में शुरू हुआ था, पहले लस्सी का नहीं था यहाँ पर। हाँ जी। तो जब शुरू किया तो काफी फेमस हो गई थी हमारी, क्योंकि प्योर दूध लगाते हैं बिल्कुल। अच्छा जी। और क्या स्पेशलाइजेशन है आपकी लस्सी की, मतलब क्या फ्लेवर्ड है या कुछ ऐसा समथिंग है? फ्लेवर तो हम कुछ भी नहीं डालते। हाँ जी। वही डालते हैं मैंगो। ठीक है। मतलब मैंगो का फ्लेवर ही डालेंगे, जब मैंगो नहीं मिलता तो बंद ही कर देते हैं। अच्छा, बंद कर देते हो आप। वैसे कितनी तरह की लस्सी मिलती है आपके पास? हमारे यहाँ तीन तरह की है, मैंगो है। हाँ जी। फ्रूट है और एक शाही लस्सी है, इसमें मलाई और पिस्ता बादाम लगा होता है। वो जो बेसिक होती है सारों की है ना, शाही लस्सी होगी। एक ये कौन सी अंकल, शाही लस्सी? ये शाही नमन लस्सी। ठीक है। और ये मैंगो वाली? ये मैंगो लस्सी है। मैंगो की मलाई नहीं, मैंगो ही मैश कर रखा ना। अच्छा, मैश करके उसकी एक परत बना के डाल देते हैं। ठीक है। बीच में भी डाला हुआ है, इसके बीच के अंदर भी पूरा मैंगो का फ्लेवर आने वाला है हमें। हाँ जी। क्या प्राइसिंग रहती है इनकी? इसका 50 रुपीज़। 50 रुपीज़ का, चाहे मैंगो हो चाहे फ्रूट हो। एड्रेस जरा आप बताओगे मेरे को, एड्रेस क्या रहता है आपका? एड्रेस ये है, ये मच्छी बाजार। मच्छी बाजार, बटन बाजार के पास, मच्छी बाजार, संत कबीर डेयरी के नाम से। और टाइमिंग्स क्या रहती है, कितने बजे तक ये मिलेगी लस्सी और कब तक पीने आ सकते हैं हम सब? ये सुबह दुकान खुल जाती है 8 बजे। ठीक है। रात के 10 बजे तक मिलती है। रात के 10 बजे तक मिलेगी। और इसके अलावा आप क्या स्पेशलाइज बना रहे हो? मैंने देखा है यहाँ पे काफी सारी मिठाई है और एक आप ये सारी चीजें, एक ये कलाकंद है। हाँ जी। देसी घी के लड्डू है बेसन के। ठीक है। और ये दही भल्ले है। अच्छा, ये दही भल्ले बना के रखे हैं, अभी लोग घर ले जाते हैं और वहाँ पे डाल के खुद बनाते हैं लोग। अच्छा, आप भी यहाँ सर्व करते हो दही भल्ले? यहाँ अभी स्टाफ की कमी है, बंद कर रखे हैं। अच्छा, अभी बंद कर रखे हैं। वैसे लोग ये घर लेके जाते हैं और यूज करते हैं। ठीक है। और एक चीज़ हमें यहाँ पे और देखने को मिली है, जो छोटी छोटी सी डिब्बी है ना, इसके अंदर एक अंकल स्पेशल चाट मसाला तैयार करते हैं जो कि बहुत पॉपुलर है यहाँ पे, तो ये भी हम अपने साथ लेके जाएंगे। एंड साथ में आप ये देख रहे हो फोटोज, काफी सारे सेलिब्रिटीज को अंकल ने अपने मसाला गिफ्ट किए हैं। सो मच अंकल, जान के बहुत अच्छा लगा आपसे। अब टेस्ट करते हैं आपकी लस्सी। हाँ जी, कलाकंद एंड ये इनके देसी घी के लड्डू। चलिए टेस्ट करके आपको इसका स्वाद बताते हैं। स्वाद कैसा है इसका? देसी घी की पिन्नी होती है ना जो, वो है ये। बहुत ही लाजवाब, बहुत ही उम्दा स्वाद है ये। बढ़िया सी मैंगो लस्सी, 50 रुपये इसका प्राइस है। एंड कलर देखो आप। और अंकल कहते हैं हम अगर मैंगो सीजन का होता है तभी हम डाल के बनाते हैं, अदरवाइज हम ये बनाते ही नहीं है, बंद कर देते हैं। और तीन तरह की यहाँ पे लस्सी मिलती है, एक ड्राई फ्रूट वाली होती है क्रीम वाली, और एक होती है अपना ये सिंपल वाली लस्सी जो शाही लस्सी बोला जाता है जिसको, और एक है मैंगो लस्सी। मैंगो मेरा फेवरेट है इसलिए मैं आपको सबसे पहले मैंगो लस्सी टेस्ट करके इसका स्वाद बताता हूँ। इसका स्वाद कैसा है भाई? वाह, लाजवाब, बहुत शानदार टेस्ट है, एकदम थिक, गाढ़ी गाढ़ी। 50 रुपये इसका प्राइस है। एंड स्वाद की बात करूँ ना भाई, क्या लाजवाब लस्सी है। अगर आप देहरादून में आ रहे हो ना तो मच्छी बाजार में आके, संत कबीर डेयरी है, आप मेरे पीछे देख ही रहे हो, पूरा आपको दिख गया। बाकी एक बारी मैं कहूँगा, एक बारी घुमा के दिखा दो। यहाँ आके आप टेस्ट कर सकते हो बढ़िया सी लस्सी इनकी। और मैं एक बारी दूसरी बारी शाही लस्सी भी टेस्ट करके उसका स्वाद भी आपको बताता हूँ। एंड दिस इज शाही लस्सी, काफ़ी सारे ड्राई फ्रूट्स हैं इसके ऊपर, बादाम वगैरह। चलिए टेस्ट कर लेते हैं। भाई वाह। और मसूरी में भी हमें एक ऐसा बंदा मिला था जिसने हमें यहाँ की सजेशन दी, अगर आप देहरादून में हो ना तो यहाँ की लस्सी ज़रूर टेस्ट करके जाना, आपका दिल खुश हो जाएगा, आपको मज़ा आने वाला है यहाँ की लस्सी का। वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना। देहरादून से देख रहे हो तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपने यहाँ की ट्राई किया, और अगर नहीं की तो भाई दिस इज़ द मस्ट ट्राई प्लेस, आप आके यहाँ ट्राई कर सकते हो। मिलेंगे किसी नई सी वीडियो में किसी नए जायके के साथ। टिल देन बाय बाय। अगर आपके जायके मिलें तो जल्दी मिलेंगे हम। टिल देन बाय बाय।